यस, तो हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री का जो यूनिट नंबर 4 है, दैट इज़ अ माइक्रो मॉलिक्यूल, इसे हम लोग पॉलीमर केमिस्ट्री का यूनिट भी कह सकते हैं. ओके, इट इज़ अ पार्ट ऑफ पॉलीमर केमिस्ट्री. यस, तो हम लोग इसको आज स्टार्ट करने वाले सिंपली. यस, सो सी व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस यूनिट. ओके, सो हियर अंडरस्टैंड द पॉलीमर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन द रिलेटेड टर्म ऑफ पॉलीमराइजेशन प्रोसेस, अंडरस्टूड ऑल टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, डिटरमाइन द नंबर ऑफ मास एवरेज एंड विस्कोसिटी एवरेज मॉलिकुलर वेट एंड सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द नंबर मास एवरेज एंड विस्कोसिटी एवरेज मॉलिकुलर वेट. ओके, सो दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस क्रेडिट नंबर 4, यूनिट नंबर 1, दैट इज अ माइक्रो मॉलिक्यूल. ओके, सो सी वी नो द पॉलीमर. ओके, सो पॉलीमर क्या रहता है उसी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, तो पूरा हम लोग समझ लेंगे क्या क्या दिया हुआ. तो इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या दिया है, देखो. अ पॉलीमर मे बी डिफाइन एज सब्सटेंस बिल्डअप ऑफ नंबर ऑफ रिपीटिंग केमिकल यूनिट हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड. यस, ये तो पता है हमें. हाई पॉलीमर इज वन इन विच द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट एक्सीडिंग अबोव 1000. ओके, हाई मॉलिकुलर वेट हम लोग बोल सकते हैं कब, जब 1000 मोर देन 1000 यूनिट्स आर रिपीटेडली ज्वाइन, देन वी कैन कॉल देम एज अ पॉलीमर. ओके, देन दिस नंबर इज अ टर्म एज अ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन. ओके, डीपी, दिस 1000 नंबर इज कॉल्ड एज अ डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन. द मॉलिकुलर वेट ऑफ अ पॉलीमर इज ऑप्टन गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ द रिपीटिंग यूनिट एंड डीपी. ओके, दैट मीन्स जो भी इसका मॉलिकुलर वेट है, तो मॉलिकुलर वेट कैसे मिलेगा हमें, तो रिपीटिंग यूनिट एंड डीपी का इट इज अ प्रोडक्ट रहेगा. ओके, सो द कंपाउंड और अ कंपाउंड यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ अ पॉलीमर्स आर कॉल्ड मोनोमर्स. ओके, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, जिस को यूज़ करके हम लोग पॉलीमर बनाते हैं उसको मोनोमर्स कहेंगे. ओके, और मोनोमर्स. ओके, दस वर्ड मोनो मीन्स सिंगल. ओके, एंड मर्स मीन्स हम लोग बोल सकते हैं यूनिट्स. ओके, मतलब सिंगल यूनिट्स के जो बना हुआ होगा इसे हम लोग मोनोमर कहेंगे. एंड सेम वे पॉलीमर्स मीन्स मेनी यूनिट्स. ओके, यस, द रिपीटिंग यूनिट कंस्टिट्यूटिंग द पॉलीमर मॉलिक्यूल आर का कॉन्स्टिट्यूशनल रिपीटिंग यूनिट. ओके, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सी आर यू, दैट इज अ कंस्टिट्यूशनल रिपीटिंग यूनिट. क्या कहेंगे इसे, कंस्टिट्यूशनल रिपीटिंग यूनिट कहेंगे. द टर्म पॉलीमर वॉज फर्स्ट यूज बाय बर्जिलियस. ओके, तो पॉलीमर के बारे में यहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. तो पॉलीमर फर्स्ट टाइम किसने यूज किया था, तो बर्जिलियस. ओके, द साइंटिस्ट नेम बर्जिलियस विच हु आर गोइंग टू यूज द टर्म्स, दैट इज अ पॉलीमर. क्या रहता है वो, पहली बार उन्होंने यूज किया, किसने, बर्जिलियस ने. ओके, इन 1827. बट द कंसेप्ट ऑफ पॉलीमर एज अ मॉलिक्यूल विथ अ हाई मॉलिक्यूलर वेट एटलीस्ट फ्यू थाउजेंड. ओके, अब यहाँ पे दिया फी थाउजेंड्स नहीं, फ्यू 10,000 वॉज इंट्रोड्यूस बाय द जर्मन साइंटिस्ट हरमन स्कॉडिंजर्स. ओके, ऑलमोस्ट अ सेंचुरी लेटर इन 1920 अ माइक्रो मॉलिक्यूल इज टर्म एज अ इंटरचेंजेबली यूज फॉर द पॉलीमर. ओके, यस, क्या दिया है देखो यहाँ पे, माइक्रो मॉलिक्यूल जो है इस टर्म एज अ इंटरचेंजेबली यूज फॉर द पॉलीमर्स मोर ऑफ्टन ऑफ अ बायोलॉजिकल ओरिजिन. इस मतलब देखो, माइक्रो मॉलिक्यूल्स को हम लोग जब यूज कर रहे हैं तो वो आ रहा है बायोलॉजिकल ओरिजिन से. बायोलॉजिकल ओरिजिन मतलब वो जो भी ओरिजिन है उसका बायोलॉजिकल है. ओके, बायोलॉजिकल मतलब हम लोग बोल सकते हैं लिविंग बींग्स के साथ रिलेशन इसका कुछ तो भी है. ओके, फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन, इंसुलिन का एग्जाम्पल दिया है. अ प्रोटीन लाइक हार्मोन है, क्या है, इंसुलिन हार्मोन है, प्रोटीन के जैसा हार्मोन है. इज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट अमाइनो एसिड. ओके, इसमें क्या है, अमीनो एसिड रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट, और उसके साथ हमें इंसुलिन मिलता है. तो इसमें मोर देन 51 अमाइनो एसिड यूज होते हैं एंड कैन बी कॉल्ड एज अ माइक्रो मॉलिक्यूल. ओके, तो देखो यहाँ पे भी वर्ड आ रहा है मैक्रो, तो इसको हमने पहले भी एक्सप्लेन किया है, मैक्रो मीन्स बिग. ओके, और एक रहता है हमारा माइक्रो, माइक्रो मीन्स स्मॉल, MICRO, माइक्रो मीन्स स्मॉल. ओके, सो बिग एंड स्मॉल यहाँ पे माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग बात करें, मतलब दिस आर द बिग मॉलिक्यूल्स. ओके, दिस आर ऑल द बिग मॉलिक्यूल्स. ओके,
यस आगे क्या दिया देखो, अ पॉलीमर इज डिफाइंड एज अ लार्ज मॉलिकुलर यूनिट बिल्ड अप ऑफ रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट जॉइंड बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, तो पॉलीमर के बारे में यहाँ पे पूरा दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया है देखो, द वर्ड पॉलीमर हैज बीन डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉली मीन्स मेनी एंड इमर्स मीन्स पार्ट। यस, मर्स मीन्स पार्ट, हमने यहाँ पे यूनिट कहा था तो पार्ट है। द रिपीट यूनिट इज कॉल्ड एज अ मोनोमर फ्रॉम विच द पॉलीमर इज फॉर्म, दस रिपीटिंग यूनिट ऑफ पॉलीइथिलीन। पॉलीइथिलीन का रिपीटिंग यूनिट क्या रहेगा, तो वो रहेगा इथिलीन। क्या रहेगा, इथिलीन। पॉलीइथिलीन का रिपीटिंग यूनिट क्या रहेगा, इथिलीन रहेगा। क्या रहेगा, इथिलीन रहेगा। सिंस द मोनोमर आर जॉइंड बाय कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म द पॉलीमर, दे आर इन सॉरी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द कंपाउंड वेयर द रिपीट्स यूनिट दैट इज आयन एटम और मॉलिक्यूल आर हेल्ड टूगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल इंट्रैक्शन और वैन डेर वाल फोर्सेस। ओके, जो भी ये मोनोमोर्स है तो कहाँ से मिक्स हुए, तो डायरेक्टली मिक्स हुए हमारे किस में से, तो डायरेक्टली मिक्स हुए हमारे सॉरी जो भी इंट्रैक्शन है वो कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाइपोल इंट्रैक्शन है और वैन डेर वाल इंट्रैक्शन उसमें है। ओके, तो ये सब पॉसिबल इसमें होते हैं। ओके, एक मिनट रुको खाली। हेलो, देखिए देखो, हाँ दिवस पेपर चेक करने आते, देखिए देखो। ठीक है, चल ठेऊ, नंतर करतो कॉल तुला। यस, ओके। तो क्या दिया गया है देखो यहाँ पे, सिंस यहाँ पे जो भी मोनोमर से हो विच आर टाइड टुगेदर और हेल्ड टुगेदर बाय द डिफरेंस अट्रैक्टिव फोर्सेस, द फोर्सेस विच वी आर यूजिंग हियर दिस आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स इंटर डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन और वैन डेर वाल फोर्सेस। तो ये तीनों हम लोग फोर्स इसमें मतलब यूज होते हैं। ओके, एंड बाय यूजिंग दिस थ्री फोर्सेज दे कैन बी कलेक्टेड टुगेदर। ओके, एक साथ रहते हैं। तो ये पूरा उन्होंने दिया हुआ है, एग्जाम्पल ये देखो। यस, तो सेम वे माइक्रोमोलिक्यूल जिसे हम लोग बोलेंगे लार्ज मॉलिक्यूल, तो वही जो हमने बोला था वही है, माइक्रोमोलिक्यूल इज अ लार्ज मॉलिक्यूल है। ओके, द टर्म पॉलीमर एंड माइक्रोमोलिक्यूल आर नॉट इक्विवेलेंट, ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। द पॉलीमर आर कंपोज बाय रिपीटिंग यूनिट वेयर एज माइक्रोमोलिक्यूल मे नॉट बी कंपोज बाय द रिपीटिंग यूनिट। ओके, माइक्रोमोलिक्यूल जो रहता है वो रिपीटिंग यूनिट के साथ नहीं बना रहता है, वही पॉलीमर जो हम लोग बोलते हैं वो रिपीटिंग यूनिट के साथ बना रहता है। ओके, तो माइक्रोमोलिक्यूल कहाँ से बनता है, तो दे कैन बी फॉर्म बाय अ मेनी स्मॉल स्मॉल यूनिट। ओके, मतलब और ज़्यादा कुछ भी इसमें रह सकते हैं यूनिट्स, लेकिन जो पॉलीमर होता है उसमें एक ही मोनोमर रहेगा। फॉर एग्जांपल यदि हमने पॉलीइथिलीन लिया तो उसमें खाली CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये वाला जो इथिलीन है तो इथिलीन ही एक ही रहेगा, इसके n नंबर्स ऑफ रहेंगे। क्या रहेगा, इसके n नंबर्स ऑफ रहेंगे। ओके, लेकिन जो माइक्रोमोलिक्यूल रहता है वो क्या रहेगा, दिस आर द कॉम्बिनेशंस, कॉम्बिनेशन मतलब एक नहीं रहेगा, उसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड एक साथ में आएंगे और उसके साथ वो एग्जाम्पल लिया था इंसुलिन बन रहा है। ओके, लाइक दैट। ओके, सो देखो आगे क्या दिया है, पॉलीमर आर ओ माइक्रोमोलिक्यूल केमिस्ट्री इज वन ऑफ द यूजफुल ब्रांच दैट इज द फिजिकल केमिस्ट्री। माइक्रोमोलिक्यूल और अ पॉलीमर सब्सटेंस पॉलीमर कैन बी ऑफ्टन यूज इन अ मेनी इंडस्ट्रीज एज इन अ इंसुलेटर एंड ऑल्सो इन अ केमिकल प्रोसेसेज एज अ कैटलिस्ट। ओके, तो सब इसका इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। माइक्रोमोलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन मोनोमर्स, क्या रहता है उसमें, लॉन्ग चेन मोनोमर रहेगा हैविंग हाई मॉलिकुलर वेट, द मॉलिकुलर वेट और रिलेटिव मोलर मास दैट इज RMM दिया है। तो दिस वर्ड इज मीनिंग ऑफ रिलेटिव मोलर मास, तो इसे हम लोग कहेंगे रिलेटिव मोलर मास। और अ माइक्रोमोलिक्यूल लाइज इन द रेंज ऑफ 5000 to 4 lakh ग्राम पर मोल। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ माइक्रोमोलिक्यूल देयर शुड बी अ साइड चेंज फॉर द अटैचमेंट ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। ओके, यस, तो यहाँ पे एक साइड चेंज रहेगी देखो, क्यों, जस्ट फॉर द अटैचमेंट ऑफ अ अनदर मॉलिक्यूल, दूसरा एक मॉलिक्यूल अटैच होने के लिए इसमें यहाँ पे एक साइड चेंज रहेगी। लिंकेज ऑफ अ मॉलिक्यूल कैन बी ऑक्यूरिंग एट अ हाई टेम्परेचर, मेनी माइक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर आर द जॉइंट मॉलिक्यूल। क्या देखो यहाँ पे, मेनी माइक्रोमोलिक्यूल जो भी माइक्रोमोलिक्यूल है वो क्या है, और पॉलीमर आर द जॉइंट, जॉइंट मतलब क्या, बिग 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 के लिए भी ये जॉइंट वर्ड यूज किया जाता है। ओके, जॉइंट मॉलिक्यूल सम ऑफ द नेचुरली ऑक्यूरिंग पॉलीमर एंड सम ऑफ देम आर सिंथेसाइड इन अ केमिकल लैब। ओके, केमिकल लैब में भी हम लोग इसे सिंथेसाइज करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है देखो, दैट इज़ अ फिगर 1.1 इलुस्ट्रेट
द मोनोमर डी पी, डी पी मीन्स डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, एंड सी आर यू, सी आर यू के बारे में क्या कहा था हमें, सी आर यू मतलब क्या होता है, सी आर यू का मतलब क्या बोला था, यस सी आर यू का हमने क्या बोला था, दैट इज सी आर यू मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिपीटिंग यूनिट। यस यहाँ पे दिया है देखो, यस यहाँ पे देखो सी आर यू दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिपीटिंग यूनिट। ओके सो उसे हम लोग कहेंगे सी आर यू मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिपीटिंग यूनिट, डी पी मीन्स डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ओके एंड मोनोमर यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये डायग्राम दिए देखो यहाँ पे, सी यहाँ से समझ लेते हम लोग, तो इथिलीन दिया है, ये हमारा हो गया मोनोमर, ये हो गया मोनोमर। यस अब इसे एन बार देखा है, मतलब एन टाइम्स, मतलब मेनी टाइम्स, मेनी टाइम्स। ओके तो यहाँ पे उसका पॉलीमराइजेशन होगा, देन पॉलीमराइजेशन होने के बाद हमें मिलेगा पॉलीइथिलीन, क्या मिलेगा पॉलीइथिलीन। ओके तो पॉलीइथिलीन मिलेगा यहाँ पे इफ एन इज 1000, एन को हम लोग 1000 लेंगे तो यहाँ पे एन के जगह पे 1000 आ जाएगा, देखो दैट इज़ अ 1000 पॉलीमर यूनिट, पॉलीइथिलीन यूनिट मिल गया हमें। ओके मोनोमर इसका जो था इथिलीन, डी पी, डी पी मत डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो यहाँ पे हमको पता है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन मीन्स जितने भी यूनिट्स होंगे दैट इज़ अ 1000 यूनिट है, तो यहाँ पे हमने 1000 लिखा। सी आर यू दैट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिपीटिंग यूनिट क्या है, तो ये अपना ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिपीटिंग यूनिट है कितने टाइम से, दैट इज़ अ एन टाइम से। ओके तो इसका हमें अब मॉलिकुलर वेट निकालना है ऑफ पॉलीमर। ओके सो देखो मॉलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर विच इज इक्वल टू डी पी, डी पी मीन्स डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ओके सो सी यहाँ पे हमने लिया है इथिलिन ना, इथिलिन लिया है, तो सी इथिलिन का मॉलिकुलर वेट क्या रहेगा, क्या है फॉर्मूला हमारा, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू। ओके यस तो कार्बन, कार्बन कितना रहता है 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2। यस हाइड्रोजन कितना रहता है, हाइड्रोजन रहता है 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, कितना हुआ देखो 12 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 24, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 4, एंड हियर इज अ 28। ओके सी हियर 28 मल्टीप्लाई बाय 1000 दैट इज अ 28000। ओके समझ में आ गया आपके कि ये 28000 कैसे आया, तो इसमें हमने क्या किया देखो मॉलिकुलर वेट ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर कौन सा यूज़ किया है हमने, तो यहाँ पे जो भी मोनोमर यूनिट था हमारा वो क्या था, इथिलीन था, इथिलीन। ओके तो इथिलीन को हमने लिया, इथिलीन का पॉली मॉलिकुलर वेट फाइंड आउट किया, देन दिस मॉलिकुलर वेट हैज बिन मल्टीप्लाइड बाय द डी पी दैट मीन्स डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, इफ एन इज अ 1000, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हमने कितना लिया 1000 लिया, सो इट्स मल्टीप्लाई बाय 1000 देन वी गेट द 28000। ओके समझ में आ गया, तो इस तरह ये 28000 यहाँ पे आंसर आ रहा है इसका। ओके सी फॉर अ पॉलीमराइजेशन टू ऑक्योर इट इज नेसेसरी डैट केमिकल सब्सटेंस डैट एक्ट एज अ मोनोमर ओनली इफ इट एज एटलीस्ट बाय फंक्शनैलिटी। ओके बाय मीन्स क्या, बाय मीन्स डबल। ओके बाय मीन्स क्या हम लोग बोल सकते हैं इसको, बाय मीन्स डबल। ओके क्या बोल सकते हैं सर, डबल डबल। ओके विच वुड डू टू द वन डबल बॉन्ड और टू रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप। ओके एक तो इसमें डबल बॉन्ड रहेगा या फिर टू फंक्शनल ग्रुप रहेगा, दो फंक्शनल ग्रुप रहेगा। ओके तो ये देखो यहाँ पे पॉलीमर ऑफ विनिल क्लोराइड, पॉलीमर ऑफ विनिल क्लोराइड। ओके तो ये देखो ये है हमारा विनिल क्लोराइड है, ओके एंड दिस इज अ पॉलीमर, सॉरी ये मोनोमर है हमारा, इसका नाम है विनिल क्लोराइड, तो इसके नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट ले लिए, सो वी गेट द पॉली विनिल क्लोराइड दैट इज अ पी वी सी, जो हमारा पी वी सी पाइप रहता है देखो इस कंपोनेंट से बना रहता है, दैट इज अ पॉली विनिल क्लोराइड। ओके तो ये पॉली विनिल क्लोराइड से बना हुआ होता है और इसका फॉर्मूला जो है वो इस तरह है, सी एच टू सी एच सी एल एन, एन मीन्स नंबर ऑफ, दैट इज नंबर ऑफ पॉली विनिल क्लोराइड दैट इज अ सी एच टू सी एच सी एल एन दैट इज अ पॉली विनिल क्लोराइड, क्या है वो पॉली विनिल क्लोराइड है। ओके देन पॉलीमर ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल हैज अ टू और टू रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप, टू ओ एच ग्रुप दैट रिजल्ट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलीमर। तो यहाँ पे कह दिया देखो इथिलीन ग्लाइकॉल है, यस दैट इज अ सी एच टू सी एच टू ओ एच। ओके इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्रुप है और ग्लाइकॉल मतलब दोन हाइड्रोजन यहाँ पे दिए हुए, ऐड किए हुए देखो, सॉरी दो ओ एच ग्रुप यहाँ पे ऐड किए हुए,
डेट इज ओ एच आर ओ एच, ओ एच आर ओ एच क्या दिया है देखो यहाँ पे ओ एच और ओ एच दिए गए, डेट इज द ओ एच एंड ओ एच। यस सी दिस आर द टू इथिलीन ग्लाइकोल ग्रुप, तो सी एच टू सी एच टू एन पॉली इथिलीन ग्लाइकोल, इसे हम लोग क्या कहेंगे पॉली इथिलीन ग्लाइकोल कहेंगे, क्या कहेंगे इसे हम लोग पॉली इथिलीन ग्लाइकोल कहेंगे। ओके सिंपली क्या कहेंगे पॉली इथिलीन ग्लाइकोल। तो सी पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का पॉलीमर क्या है दैट इज द एन एच टू सी एच आर डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ओके दैट इज द अमीनो एसिड और अमीनो एसिड का पॉलीमर हो गया यहाँ पे। ओके यस द रिएक्शन बिटवीन टू बाई फंक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल लीड्स टू अ लीनियर हाई पॉलीमर, फर्दर इट वी एड सम ट्राई फंक्शनल ग्रुप। क्या है देखो ट्राई फंक्शनल मीन्स तीन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे आए, फर्दर इट विल बी एडेड सम ट्राई फंक्शनल ग्रुप, फर्दर इट विल बी एडेड सम ट्राई फंक्शनल ग्रुप, इट मे बी आइदर ब्रांच पॉलीमरिक चेंज और अ थ्री डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। क्या रहेगा एक ब्रांच पॉलीमरिक चेंज रहेगी या फिर वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर रहेगा। द रिएक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल आर शो बिलो, क्या क्या देखो मोनो एयर बाई फंक्शनल मॉलिक्यूल लीनियर पॉलीमर मॉलिक्यूल, क्या देखो मोनो एंड बाई फंक्शनल मॉलिक्यूल दैट इज द लीनियर पॉलीमर मॉलिक्यूल। यस देन बाई फंक्शनल मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंट ऑफ सम ट्राई फंक्शनल मॉलिक्यूल दैट इज अ ब्रांच पॉलीमर और क्रॉस लिंक पॉलीमरिक नेटवर्क। क्या दिया है ब्रांच पॉलीमर रहेगा या फिर वो क्रॉस लिंक पॉलीमरिक नेटवर्क उसका रहेगा। ओके तो यहाँ पे दिया है होमोजीनियस पॉलीमर, हेट्रोजीनियस पॉलीमर एंड बायो इनऑर्गेनिक पॉलीमर। ओके यस ओके डायरेक्टली कम फॉर द क्लासिफिकेशन, तो ये क्लासिफिकेशन आपके सामने दिख रहा है सबको क्लियरली, यस गिव द रिप्लाई, क्लियरली दिख रहा है। ओके क्या दिया है देखो माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स ओके क्या दिया देखो माइक्रो मॉलिक्यूल्स, यस दिस माइक्रो मॉलिक्यूल कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप दैट इज द ऑर्गेनिक माइक्रो मॉलिक्यूल एंड इनऑर्गेनिक माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ओके और जो ऑर्गेनिक माइक्रो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो फर्दर क्लासिफाई हो गए नेचुरल माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड सिंथेटिक माइक्रो मॉलिक्यूल्स। किस में क्लासिफाई हो गए नेचुरल में ओके एंड सिंथेटिक माइक्रो मॉलिक्यूल, यस एंड इनऑर्गेनिक दैट इज अ बायो इनऑर्गेनिक पॉलीमर एक होमोजीनियस पॉलीमर में एंड हेट्रोजीनियस पॉलीमर में क्लासीफाई होगी। ओके दे कैन बी क्लासीफाइड इन टू होमोजीनियस पॉलीमर एंड दी हेट्रोजीनियस पॉलीमर, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में क्या हो गए क्लासीफाई हो गए। ओके देन आगे क्या है देखो नेचुरल ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, ओके तो क्या है देखो नेचुरल ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, सो दिज आर द पॉलीमर विच कैन बी एक्यूर नेचुरली, जो भी नेचुरली मिलेगी इसे हम लोग बोलेंगे नेचुरल पॉलीमर। ओके तो इसका एग्जांपल दिया है नेचुरल रबर और सेलुलर एनसेट्रा, ये नेचुरल रबर का स्ट्रक्चर है डाइटिका पॉली आइसोप्रीन, क्या बोलेंगे इसे पॉली आइसोप्रीन रहेगी। ओके यस तो इसे देखो नेचुरल ऑर्गेनिक माइक्रोमोलिकुल और पॉलीमर्स को क्या कहेंगे विच कैन बी ऑक्यूर नेचुरली। ओके नेचुरली जो मिलेगी इसे हम लोग कह सकते हैं नेचुरली ऑक्यूरिंग माइक्रोमोलिकुल और पॉलीमर। ओके तो इसका स्ट्रक्चर है देखो नेचुरल रबर एंड पॉली आइसोप्रीन, देन सिंथेटिक ऑर्गेनिक माइक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर में सिंथेटिक बोलेंगे तो हम लोग लैब में प्रिपेयर करेंगे। ओके लैब में प्रिपेयर करेंगे तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है नायलॉन 66 का, क्या दिया है नायलॉन 66, तो ये क्या है इथिलीन टेराफेरेट एंड टेरिलीन डेक्रॉन, एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमर नायलॉन 66 और इथिलीन टेराफेरेट दैट इज टेरिलीन, टेरिलीन का धागा सबको पता है तो ये नायलॉन का धागा भी सबको पता है तो ये उसका फॉर्मूला है। ओके सो दिस आर द सिंथेटिक पॉलीमर विच कैन बी प्रिपेयर इन अ लैबोरेटरी। ओके तो इसे हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे इसे हम लोग दिस आर द सिंथेटिक ऑर्गेनिक माइक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर। ओके नेक्स्ट वन क्या है देखो इनऑर्गेनिक नेचुरल माइक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर, इनऑर्गेनिक नेचुरल माइक्रो इनऑर्गेनिक है मतलब इसमें क्या है ओके कार्बन ऑक्सीजन एब्सेंट रहेगी। ओके दीज आर द नेचुरली ऑक्यूर इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दे आर ऑल्सो कॉल्ड बायो इनऑर्गेनिक पॉलीमर, क्या कहेगा इसे बायो इनऑर्गेनिक पॉलीमर कहेगा,
क्या कहेंगे, बायो इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स कहेंगे। द कॉमन नेचुरल पॉलीमर इंक्लूड पॉलीसैकेराइड्स, क्या इसमें पॉलीसैकेराइड स्टार्च है, सेलुलोज है, गम्स एंसेट्रा, प्रोटीन जिलेटिन एल्ब्यूमिन एंजाइम्स एंड इंसुलिन। यस, पॉलीआइसोप्रिंस डेट इज अ नेचुरल रबर। यस, एंड न्यूक्लिक एसिड डेट इज आर एन ए डी एन ए। नेचुरल पॉलीमर आर समटाइम ऑल्सो कॉल्ड एज अ बायो पॉलीमर आर बायोलॉजिकल माइक्रोमोल्यूल। ओके, जो नेचुरल पॉलीमर रहते हैं उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, समटाइम ऑल्सो कॉल्ड बायो पॉलीमर्स, बायो पॉलीमर भी बोल सकते हैं या फिर बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, बायोलॉजिकल माइक्रोमोलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल ये देखो, डैट इज़ अ हीमो हीमोप्रोटीन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, क्लोरोफिल डैट इज अ मैग्नीशियम फॉस्फेट कॉम्प्लेक्स, एंड विटामिन बी डैट इज द कोबाल्ट पायरोक्सिन कॉम्प्लेक्स। ओके, तो ये तीन एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं किसके, ये इनऑर्गेनिक माइक्रोमोलिक्यूल्स के, किसके, इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक माइक्रो मॉलिक्यूल्स। यस, देन इनऑर्गेनिक सिंथेटिक माइक्रो मॉलिक्यूल और पॉलीमर। यस, यहाँ पे देखो सिंथेटिक, सिंथेटिक मतलब हम लोग लैब में प्रिपेयर करने वाले। ओके, इनऑर्गेनिक पॉलीमर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट अदर देन द कार्बन। ओके, कार्बन के अलावा इसे हम लोग बनाएंगे तो इसे हम लोग कहेंगे इनऑर्गेनिक पॉलीमर। क्या कहेंगे इसे हम लोग, इनऑर्गेनिक पॉलीमर कहेंगे। क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक पॉलीमर। ओके, क्या कहेंगे इसे, इनऑर्गेनिक पॉलीमर कहेंगे। यस, सिंपली हम लोग क्या कहेंगे इसे, इनऑर्गेनिक पॉलीमर। ओके, इनऑर्गेनिक पॉलीमर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट अदर देन कार्बन। इनऑर्गेनिक पॉलीमर कंटेन नो कार्बन, कार्बन नहीं रहता इसमें। इन द पॉलीमर चेंज हैव अ सिलिकॉन सिलिकॉन, या फिर रहेगा सिलिकॉन ऑक्सीजन, या फिर रहेगा नाइट्रोजन फॉस्फरस एंड एक्स मतलब हैलाइड पीओ बीओ लिंकेज। ओके, दे आर फर्दर क्लासिफाइड इन टू टू कैटेगरीज, कौन सा है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या रहेगा, सेम, दिस कंसिस्ट ऑफ अ चेंज ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटोमिक न्यूक्लियाई इन अ पॉलीमर चेन। ओके, मतलब एक ही रहेगा, तो यहाँ पे दिया है पॉली बोरॉन। ओके, पॉलीमरिक सल्फर, पॉलीसिलेन और बोरॉन 12। ओके, तो यह हमारा हो गया होमोजीनियस इनऑर्गेनिक सिंथेटिक पॉलीमर माइक्रोमोलिक्यूल। सेकंड वन है हेट्रोजीनियस इनऑर्गेनिक सिंथेटिक माइक्रोमोलिक्यूल। सो सम कॉमन इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स आर शो बिलो, कौन सा है देखो, दैट इज द पॉलीसिलेन्स, पॉलीफॉस्फोरिक एसिड एंड पॉलीसिलिक सिलिसिक एसिड। ओके, दिस आर द पॉलीसल्फर, पॉलीफॉस्फेजीन एंड पॉलीविनिल क्राउन ईथर। ओके, तो ये सारे जो है हमारे सिंथेटिक इनऑर्गेनिक होमोजेनियस सॉरी हेट्रोजेनियस पॉलीमर है। क्या है, हेट्रोजेनियस इनऑर्गेनिक सिंथेटिक माइक्रोमोलिक्यूल्स है। ओके, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या है ये आपको ध्यान में रखना है। यस, देन उसके बाद देर दीज आर कंसिस्ट ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट न्यूक्लिक एसिड डैट इज एन पी एस ओ हैलाइड्स। ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल है पॉलीफॉस्फोरिक एसिड, सिलिकॉन पॉलीमर, पॉली फॉस्फेजीन, पॉलीविनिल क्राउन ईथर एटसेट्रा। ओके, यस, देन यहाँ पे अगेन पॉलीमर का क्लासिफिकेशन दिया है, तो पॉलीमर में भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं कि पॉलीमर कैन बी क्लासीफाई एज अ लीनियर ब्रांच और क्रॉस लिंक पॉलीमर। इसे कहेंगे लीनियर कहेंगे पॉलीमर, ब्रांच कहेंगे और क्रॉस लिंक पॉलीमर इसे हम लोग कहेंगे। हाई डेंसिटी पॉली इथिलीन डैट इज द एच डी पी ई, हाई डेंसिटी पॉली इथिलीन उसे इतने कहेंगे, यहाँ पे कहेंगे हम इसे हाई डेंसिटी पॉली इथिलीन, हाई डेंसिटी पॉली इथिलीन है। ओके, इज अ लीनियर पॉलीमर, वाइल द एल डी पी ई लो डेंसिटी पॉली इथिलीन, एल डी पी ई को हम लोग कहेंगे लो डेंसिटी पॉली इथिलीन। ओके, इज अ ब्रांच पॉलीमर, नेचुरल रबर हैज़ अ टू कॉन्फिगुरेशन फॉर्म, द सिस फॉर्म हैज अ लेस डेंसिटी एंड इट्स अवेलेबल इन लैटेक्स, द अदर फॉर्म इज अ ट्रांस फॉर्म एंड इज अ ब्रिटर एंड हार्ड। ओके, तो नेचुरल रबर में भी यहाँ पे दोनों फॉर्म दिए, दैट इज अ क्या बोलेगा हम लोग इसे, सिस एंड ट्रांस फॉर्म। ओके, यस, देन यहाँ पे एल डी पी और एच डी पी की क्लासिफिकेशन दिए, तो ये देख लो एल डी पी पी क्या है, ब्रांच, परसेंटेज क्रिस्टलिनिटी लेस देन 50%, डेंसिटी 0.92 ग्राम है पर सी एम क्यूब, सॉफ्टनिंग पॉइंट 360 केल्विन। यस, अभी यहाँ पे एक देखो सॉफ्टनिंग पॉइंट है, तो ये सॉफ्टनिंग पॉइंट क्या रहता है इसे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, 360 केल्विन टेंसाइल स्ट्रेन है 85 टू 136 एटीएम।
ओके तो ये देखो सॉफ्टनिंग पॉइंट क्या रहता है, तो नॉर्मली हमें मेल्टिंग पॉइंट पता है, पता है मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, बोलो। यस बोलो, मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है? यस तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड, बराबर। ओके तो ये सॉफ्टनिंग पॉइंट में क्या होता है पता है क्या, ये जो सॉलिड है वो पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता। ओके तो सॉफ्टनिंग पॉइंट मेजर करने के लिए इसे एक एपरेटस यूज करते, बॉल एंड रिंग एपरेटस, बॉल एंड रिंग एपरेटस यूज करते। ओके तो बॉल एंड रिंग एपरेटस कैसा रहता है, तो यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, देखो आवाज आ रहा है प्रॉपरली? यस गिव द रिप्लाई। ओके यस सीयर, तो जो भी बॉल एंड रिंग अपरेटस रहता है जो सॉफ्टनिंग पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, सॉफ्टनिंग पॉइंट क्या होता है पहले मैं आपको समझाता हूँ। ये जो भी पॉलीमर है ना, ये पॉलीमर को एग्जैक्टली मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है इसका। ओके शार्प मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसके ऊपर ये लिक्विड हो जाए, ऐसा कुछ मेल्टिंग पॉइंट ये पॉलीमर का नहीं रहता है। ओके सो स्पेसिफिकली इसे फाइंड आउट किया जाता है सॉफ्टनिंग पॉइंट की को फाइंड आउट किया जाता है। तो सॉफ्टनिंग पॉइंट क्या होता है, इससे सिंपल जो भी रेजिन है या फिर जो भी पॉलीमर है उसे हम लोग क्या करेंगे, फिलहाल पहले तो इसको हम लोग मेल्ट करेंगे। ओके देन मेल्ट करने के बाद एक ऐसी रिंग रहती है। ओके तो ये रिंग में उसको पोर करेंगे, तो फिलहाल वो लिक्विड स्टेट में, हॉट है तो ये लिक्विड स्टेट में। ओके देन ये जैसे कूल होता जाएगा तो ये सॉलिड बन जाएगा, बरोबर ना? यस मैं सॉलिड बनने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा ऐसा होल करके, थोड़ा ऐसा स्क्रैच करने का, देन वी हैव टू पुट सम बॉल्स। ओके यस बेरिंग पता है सबको, बेरिंग्स, बेरिंग्स पता है ना जो हमारे फैन के अंदर रहते हैं, बॉल बेरिंग्स पता है ना? ओके तो ये बेरिंग जो है ना, सॉरी ये बेरिंग्स वाले, बॉल बेरिंग्स वाले जो बॉल है ना वो हमें यूज़ करना है और वो वहाँ पे रखना है। ओके तो ये एपरेटस रहता है ये सॉफ्टनिंग पॉइंट का, उसकी एडजस्टमेंट कैसी रहती है मैं आपको बताता हूँ। तो इसके एडजस्टमेंट इस तरह रहती है, एक जगह पे एक रिंग जॉइंट है, यहाँ पे एक दूसरी रिंग जॉइंट होती है। ओके मतलब यहाँ पे एक एम्प्टी ऐसी स्पेस रहती है, ऐसी राउंड राउंड स्पेस रहती है। ये जो रिंग है ये रिंग ऐसे साइड में हम लोग निकाल सकते हैं, और निकालने के बाद इसको फिलअप करने का, फिलअप करने के बाद यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं। देन ये जो है ऐसे नीचे एक ऐसे प्लेटफॉर्म होता है। ओके यस यस यहाँ पे ऐसी अरेंजमेंट रहती है, ज्वाइंट रहता है। और देन क्या करते हैं, सिंपली ये अरेंजमेंट होने के बाद ये पूरा अरेंजमेंट जो है वो बाथ में रखते हैं। ओके तो एक बिकर रहता है, बड़ा सा बिकर रहता है, उसमें ग्लिसरिन भरा हुआ रहता है, ग्लिसरिन बोले या फिर हम लोग बोल सकते हैं हमारा लिक्विड जो मेल्टिंग पॉइंट, पैराफिन ऑयल जो हम लोग यूज़ करते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट यूज़ करने फाइंड आउट करने के लिए, वो रहता है। और इसमें ये डिप करते हैं पूरे असेंबली। ओके डिप करने के बाद यहाँ पे एक टेम्परेचर का एक एडजस्टमेंट रहता है, थर्मोमीटर यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं। ओके तो यहाँ पे हम लोग थर्मोमीटर रखते हैं। ओके थर्मोमीटर है यहाँ पे। ओके और यहाँ इसको हीट करते हैं, इसको हीट करने के बाद क्या होगा पता है क्या, हीट करने के बाद ग्लिसरीन या फिर पैराफिन ऑयल गर्म होगा, और उसके हीट से ये वाला जो मटेरियल हमने रखा हुआ है वो मेल्ट होगा, और मतलब हीट होगा। और हीट होने के बाद ये जो बॉल है, ओके जो यहाँ पे रखा हुआ है वो धीरे 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 नीचे आएगा। ओके तो एक टेम्परेचर के ऊपर ये बॉल जो है इस तरह गिर जाएगा नीचे। ओके तो जो टेम्परेचर के ये बॉल गिरने वाला है उस टेम्परेचर को हम लोग कहेंगे सॉफ्टनिंग पॉइंट, क्या कहेंगे इसे हम लोग, सॉफ्टनिंग पॉइंट। ओके तो ये टेक्निक यूज की जाती है टू डिटरमाइन द सॉफ्टनिंग पॉइंट। ओके तो सॉफ्टनिंग पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए मिल बॉल एंड मिल रिंग एंड बॉल रिंग का जो अपरेटस है वो यूज किया जाता है, एंड बाय यूजिंग दिस अपरेटस वी कैन इजीली फाइंड आउट द
सॉफ्टनिंग पॉइंट। ओके, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकते या फिर शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, इसकी वजह से हमें क्या यूज़ करना पड़ रहा है, इसकी वजह से हमें यूज़ करना पड़ रहा है सॉफ्टनिंग पॉइंट। यस, सॉफ्टनिंग पॉइंट हमें यूज़ करना पड़ रहा है। ओके, तो आगे क्या दिया है देखो, एच डी पी और एल डी पी का डिफ्रेंशिएट दिया है, ये सॉफ्टनिंग पॉइंट, देन ये देखो ये लीनियर है, परसेंटेज क्रिस्टलिनिटी ग्रेटर दैन 90%, डेंसिटी 0.93 ग्राम है, सॉफ्टनिंग पॉइंट 400 केल्विन है, टेंसाइल स्ट्रेंथ 205 से लेके 315 ATM तक इसका है। ओके, यस, नेक्स्ट क्या दिया है देखो, पॉलीमराइजेशन, सी लीनियर लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन दैट इज एल एल डी पी ई इज नाउ मैन्युफैक्चर एंड हैज अ लेस ब्रांचिंग, द लीनियरिटी प्रोवाइड द पॉलीमर स्ट्रेंथ एंड द ब्रांचिंग यूज टफनेस, क्या देता है वो, टफनेस हमें देता है। ओके, यस, देन आगे दिया है पॉलीमराइजेशन मेथड। ओके, तो इसे मैं क्लियर कर देता हूँ, आगे दिया हुआ है पॉलीमराइजेशन मेथड। ओके, सो सी हियर, पॉलीमराइजेशन मेथड बेसिकली दो मेथड दिए हुए, दैट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड अनदर इज अ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ओके, तो कौन सा है यहाँ पे, एक एडिशनल पॉलीमराइजेशन हम लोग बोल सकते हैं और दूसरा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन बोल सकते हैं। एडिशन पॉलीमराइजेशन में नेम इंडिकेट कर रहा है एडिशन होने वाला है, कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, एक कंडेंसेशन होने वाला है। ओके, सिंपली हम लोग बोल सकते हैं इन एडिशन पॉलीमराइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड चेन रिएक्शन, क्या कहेंगे इसे, चेन रिएक्शन पॉलीमराइजेशन, वाइल कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इज ऑल्सो डिस्क्राइब अंडर हेडिंग सच एज अ स्टेप स्टेप ग्रोथ और स्टेप रिएक्शन पॉलीमराइजेशन एंड समटाइम पॉली कंडेंसेशन। ओके, पॉली कंडेंसेशन भी हम लोग इसे कह सकते हैं। देन आगे कह दिया है देखो, अनसैचुरेटेड मोनोमर यूजुअली फॉलोज द एडिशनल पॉलीमराइजेशन वाइल दोज कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अंडरगो पॉली कंडेंसेशन, फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो किसमें जाता है, पॉली कंडेंसेशन में जाता है। फॉर एग्जाम्पल पॉलीथिलीन एंड पॉलीप्रोपिलीन आर द एग्जाम्पल ऑफ एडिशनल पॉलीमर, वेयर एज नाइलॉन टेरिलीन एंड सेटा आर द कंडेंसेशन पॉलीमर, क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर है। ओके, तो यस, इसके बाद देखो मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन है, पूरा हम लोग देख रहे हैं ना, वो पूरा PYBS सिखाया हमारा, PYBS भी। ओके, इसमें एक चैप्टर था पॉलीमर केमिस्ट्री, यस, तो पूरा हम लोग यही देख रहे हैं। ओके, सो आगे क्या देखो, क्या दिया हुआ है, मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म क्या है, सो फर्स्ट वन इज अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, सेकंड वन इज अ कैटायनिक एंड अनदर इज अ अनायनिक। ओके, फ्री रेडिकल है, कैटायनिक है और अनायनिक है। ओके, तो फ्री रेडिकल में क्या है देखो, द रिपीटेड एडिशनल ऑफ मोनोमर गिव राइज टू द पॉलीमर एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ पॉलीमराइजेशन, क्या है देखो, द रिपीटेड एडिशन ऑफ मोनोमर गिव राइज टू पॉलीमर एंड प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, इसे हम लोग कहेंगे पॉलीमराइजेशन। फॉर एडिशनल पॉलीमराइजेशन द मोनोमर कंटेन एटलीस्ट अ डबल बॉन्ड दैट पार्टिसिपेट इन द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, द मैकेनिज्म ऑफ दिस काइंड ऑफ पॉलीमराइजेशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ चेन रिएक्शन इन्वॉल्विंग थ्री स्टेप, नेमली इनिशिएशन रहेगा, प्रोपोगेशन रहेगा एंड टर्मिनेशन रहेगा। ओके, तो ये तीनों इसमें रहेगी, क्या, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होगा, सो इनिशियल स्टेज कंप्राइज टू द रिएक्शन ऑफ एक्टिव स्पेसिस जनरेटेड फ्रॉम एन इनिशिएटर। ओके, तो एक्टिव होगा, यहाँ पे एक्टिवेशन हो जाएगा और कैटेलिस्ट बाय इट्स डिकम्पोजिशन एंड ऐड टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑफ द मोनोमर, द एक्टिव स्पेसिस जनरेट फ्रॉम एन इनिशिएटर मे बी एज अ फ्री रेडिकल, वो क्या रहेगा, फ्री रेडिकल रहेगा, पता है ना, फ्री रेडिकल हम लोग कैसे शो करते, इसके ऊपर ऐसे एक डॉट दिखा देते। ओके, मतलब ये देखो ए प्लस बी ए, तो यहाँ पे ए फ्री रेडिकल बना, ए बी साथ में ए फ्री रेडिकल बना और यहाँ पे बी फ्री रेडिकल बना। ओके, तो ऐसा डॉट हम लोग जो दिखाते हैं तो इसे हम लोग कहेंगे फ्री रेडिकल। ओके, सी क्या है, जनरेटेड फ्रॉम एन इनिशिएटर मे बी फ्री रेडिकल अ कैटायन एंड अनायन और अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, और उसे कहेंगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, दिस बेसिस ऑन द रिएक्शन विद अ मोनोमर फ्रॉम अ न्यू फ्री रेडिकल सच एज अ कार्बोकैटायन कार्बेनियन एंड अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, क्या बोलेगे इसे, कार्बोकैटायन बोल सकते हैं,
कार्बेनियन बोल सकते हैं, और अ कोऑर्डिनेशन नंबर, और अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, और अ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चेन पॉलीमराइजेशन आर, क्या क्या है देखो। यस तो पहले दिया है आफ्टर द इनिशिएशन पॉलीमर चेन फॉर्म अ वेरी क्विकली, दैट इज इन द टाइम ऑफ 10^1 टू 10^-6 सेकंड। ओके सेकंड वन, द कैटलिस्ट कॉन्सेंट्रेशन नीडेड इज अ वेरी लो, जो भी कैटलिस्ट कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो एकदम कम लेना पड़ेगा, ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। मीन्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पॉलीमराइजेशन ओनली मोनोमर एंड पॉलीमर आर प्रेजेंट। ओके बिकॉज क्या कैटलिस्ट जो है वो क्या है, कैटलिस्ट इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट। ओके तो उसका कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा यहाँ पे। द प्रोसेस इज अ एक्सोथर्मिक, जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा, एक्सोथर्मिक रहेगा। एंड द हाई मॉलिकुलर वेट पॉलीमर रेंजिंग 10,000 to 10,000,000 कैन बी ऑब्टेन। द इनिशिएटर फॉर द चेन पॉलीमराइजेशन मे बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इनिशिएशन। द इनिशिएटर कॉमनली यूज एज अ फॉर जनरेटिंग वेरियस एक्टिव स्पेसिस आर लिस्टेड बिलो। ओके तो क्या करेगा देखो, ये मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, ओके तो यहाँ पे फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म दिया हुआ है। यस सो ये जो है हमारा मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म सॉरी पॉलीमराइजेशन, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल यहीं पे हम लोग रुकते हैं। ओके।